एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट स्पेशल वंस अगेन। सो आज हम आपके लाए हैं ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स, जो कि आपके बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। दिस वर्कशीट विल सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, अटेंशन, फोकस, कंसेंट्रेशन, एंड इम्प्रूव योर चाइल्ड इन लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्किल्स। सारी वर्कशीट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टीचिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर ये सारी वर्कशीट्स आप अपने बच्चे को कराते हो तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटीज। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है कॉपी द पैटर्न्स। इसमें बच्चे को सेम पैटर्न्स को कॉपी करना है और मिनटे बनाना है सामने। इसमें बच्चे का जो इम्प्रूव हो रहा है वो है राइटिंग स्किल्स, ग्रिप इम्प्रूवमेंट, पैटर्न अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो पोजीशन को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में बनाना है, राइट में है तो राइट में बनाना है। और जो उसकी प्रॉब्लम है, जैसे कि फोकस नहीं कर पाता बच्चा, या फिर अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, या फिर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें सॉल्व हो रही हैं। ये सारी वर्कशीट्स से ये बहुत सारी बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। हमारी सेकेंड एक्टिविटी है फॉलो द पैटर्न्स। इसमें मैंने कुछ 5 फिगर्स बनाई हुई हैं, डॉट बीच में लगी हुई है और कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं उसके साइड में, तो वही सेम पर्टिकुलर कलर बच्चे को देखना है, ढूंढना है एंड वही सेम पैटर्न उसको बनाना है। जैसे रेड डॉट है तो रेड डॉट पे क्रॉस बना हुआ है तो रेड डॉट उसको सर्च करना है और उस पर क्रॉस बनाएगा बच्चा, या फिर अगर ग्रीन डॉट है तो ग्रीन पे प्लस का साइन बना हुआ है तो प्लस बनाएगा। तो ये बहुत सारे पैटर्न्स आप फॉलो कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। तो जस्ट लाइक मैंने 5 पैटर्न्स बनाए हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। तो इसमें क्या है, बच्चे का कलर कंसेप्ट इम्प्रूव हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो रही है, इस बच्चे को बहुत सारे कलर्स का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, शेप्स की अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है उसे। और जो बच्चे में प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि सेम कंसंट्रेशन, फोकस नहीं कर पाते बच्चे, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे अगर अपने घर में करें, जैसे फ्री टाइम है तो आप करा सकते हो अपने बच्चे को ये सब, क्योंकि ये बहुत इजी एक्टिविटी है। पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, कुछ फॉलो करना और डॉट्स डालनी है कलरफुल स्केच पेन से। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक पेज एंड कलरफुल स्केच पेन, दैट्स इट। सो हमारी थर्ड एक्टिविटी है पुट द डॉट्स ऑन द सेम प्लेस। 2x2 का ग्रिड है आपके सामने, आप देख सकते हो, और उसमें कुछ कलरफुल डॉट्स बना रखी हैं। कुछ लेफ्ट साइड है, कुछ राइट साइड है, कुछ दोनों राइट साइड हैं, कुछ दोनों अपवर्ड्स हैं, कुछ दोनों लेफ्ट साइड हैं, कुछ डाउनवर्ड्स हैं दोनों। तो इसमें बच्चे को क्या करना है कि सेम डॉट्स को फॉलो करना है, सेम कलर स्केच पेन उठाना है और सेम डॉट्स लगाना है, चाहे वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लगाएगा, राइट है तो राइट में लगाना है। ग्रिड मैंने बना दिया है राइट साइड में, आप अगर चाहो तो नहीं भी बना सकते, आपकी मर्जी है, बिकॉज आपके बच्चे का क्या लेवल है वो आप अच्छे से जानते होगे। और इसमें कलर कंसेप्ट इम्प्रूव हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो रही है, बच्चे का फोकस, अटेंशन, जो कंसंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम रहती है वो बच्चे की सॉल्व हो रही है इसमें। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। सेम मैं सारी जो जितने भी अभी वर्कशीट्स आ रही हैं आपके सामने, वो सब में बस आपको एक शीट चाहिए और एक कलरफुल स्केच पेन चाहिए। बहुत ईजी एक्टिविटी है, आपको कुछ भी TLMs की रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत सारी चीज़ें करने की। अब सिंपल सा है, आपको वर्कशीट बनानी है बच्चों की ताकि बच्चे बिजी रहें। तुम्हारी फोर्थ एक्टिविटी है मेक सेम पैटर्न्स। इसमें भी कुछ फिगर्स बनी हुई हैं और उसमें शेप्स बना रखी हैं मैंने, और बच्चे को शेप्स को जिस प्लेस पे जो है उसी प्लेस पे उसको ड्रॉ करना है। जिसमें ट्रायंगल बना हुआ है ट्रायंगल बनाएगा, स्क्वायर बना हुआ है स्क्वायर बनाएगा, सर्कल, स्टार, तो ये सब मैंने फिगर्स बना रखी हैं। तो बच्चे को सेम कॉपी करना है। आप चाहो तो आप ग्रिड भी बना सकते हो, मतलब उसको दे सकते हो कि आप सेम बनाओ, बिल्कुल सर्कल भी वो खुद से बनाएगा, लाइंस भी खुद से ड्रॉ करेगा। तो आप जैसा आपका बच्चे का लेवल है आप वैसे कर सकते हो। तो इसमें शेप कंसेप्ट बच्चे का इम्प्रूव हो रहा है, कलर कंसेप्ट इम्प्रूव हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो रही है, और जो उसको प्रॉब्लम रहती है फोकस की, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की, वो पहचान नहीं पाता कि कौन सी जगह पे स्टार बना हुआ है, कौन सी जगह पे क्या बना हुआ है, तो वो चीज़ें भी उसकी क्लियर हो रही हैं इसमें। और विजुअल डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है, उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है।
नेक्स्ट एक्टिविटी है मैच द फॉलोइंग। बहुत अच्छी एक्टिविटी है अगर आपके बच्चे का विजुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्लियर, या फिर उसका फोकस अटेंशन क्लियर नहीं है, या फिर कंसंट्रेशन क्लियर नहीं है उसका, उसको बहुत दिक्कत होती है कि कौन सी फिगर क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं, सेम कलर्स यूज़ करे हैं मैंने, और इसमें बच्चे का कलर कंसेप्ट इम्प्रूव हो रहा है, शेप कंसेप्ट इम्प्रूव हो रहा है, रीजनिंग उसकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होएगी, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होएगी, और बच्चे को सेम मैच करना है, फिगर को देखकर सेम मैच करना है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। नेक्स्ट एक्टिविटी है सर्कल राइट एरो। इसमें मैंने बहुत सारे एरोज बना रखे हैं और बच्चे को राइट एरो ढूंढना है, और बहुत इजी एक्टिविटी है ये, बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए इजी है, और इसमें बच्चे का डायरेक्शन कंसेप्ट इम्प्रूव हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो रही है, उसकी फाइंडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, और वो बच्चा ढूंढ पा रहा है कि राइट कौन सा है, मतलब उसको कंसेप्ट पता चल रहा है प्रॉपर तरीके से, और जिस बच्चे को फोकस में, अटेंशन में, या फिर कोऑर्डिनेशन में, या फिर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम होती है, उसका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ करने में। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत इजी एक्टिविटीज़ हैं, आपको सिर्फ शीट और कलरफुल स्केच पेंस चाहिए, दैट्स इट। बच्चे का बहुत ईजीली बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ कराते हो। ये आप 3 to 6 ईयर्स के बच्चे में करा सकते हो, ऑटिस्टिक बच्चे के लिए तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि उनका क्लियर नहीं होता, उनका विजुअल डिस्क्रिमिनेशन क्लियर नहीं होता है, उनको लॉजिकल थिंकिंग, वो अटेंशन नहीं कर पाते हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज़ वेरी नाइस एक्टिविटी यू कैन डू विद योर चिल्ड्रन। सो माई नेक्स्ट एक्टिविटी है सर्कल द लेटर्स दैट कम इन योर नेम। अपना नाम लिखेगा बच्चा यहाँ पर, जैसे सपोज आई एम राइटिंग माई नेम दिव्या, DIVYA। सो नीचे क्या है, मैंने बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, लेटर्स में बच्चे को फाइंड आउट करना है अपना नेम, जो भी लेटर्स आ रहे हैं उसके, जैसे डी दिव्या में डी कहाँ है, बच्चे को डी फाइंड आउट करना है, तो डी सर्च होगा, देन आई, देन वी, देन वाई, देन ए। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जो बच्चे इंजॉय भी करते हैं, और उनका इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। इसमें क्या है, आप, मैंने अभी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, आप इसमें कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें स्मॉल भी कर सकते हो, और उसका अल्फ़ाबेट मैचिंग क्लियर हो रहा है, उसका अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन हो रहा है अच्छे से, और उसका जो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसमें उसको पता चल रहा है कि दिस इज़ डी, दिस इज़ आई, दिस इज़ वी, तो इसमें बच्चे का फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, विजुलाइजेशन, रिकॉग्निशन ऑफ द लेटर्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सारी वर्कशीट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, तो आप अपने बच्चे के साथ, ये जस्ट एग्जांपल्स है वर्कशीट का, आप इससे और कॉम्प्लेक्स और भी कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, उनके अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। सो होप यू लाइक आर वर्कशीट्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हेल्प फॉर स्पेशल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।